अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जिस वालबार प्यारे बच्चों आप तमाम का विशेष इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशंस बिल्डर। प्यारे बच्चों स्टडी कर रहे हैं सातवीं जमात का रियाजी मजमून का सवाल नंबर 8 अलजेब्रिक बातें और उन पर अमल, इसका लेक्चर नंबर 6 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम जो है मस्की सेट सवाल मस्की सवाल नंबर जो है वो 35 नंबर पर जो मस्की सेट है उसको हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपने सबसे पहला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 1 ज़र्ब कीजिए। इसमें जो टोटल 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको हल करके बताए जाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको घर काम लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर दिया हुआ है 16xy ज़र्ब 18xy। तो पहले बात प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि ये एक रुकनी है कि 2 रुकनी है कि 6 रुकनी है कि 8 रुकनी है। तो प्यारे बच्चों गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ज़रीफ़ एक ही दिया हुआ है, तो ये एक रुकनी है, एक रुकनी है, क्या है एक रुकनी है। तो यहाँ पर एक रुकनी को एक रुकनी से ज़र्ब दिया गया है, तो हम क्या करेंगे मुतग़य्यर को अलग करेंगे और ज़रीफ़ को अलग कर लेंगे, तो रहेगा 16 ज़र्ब 18, ठीक है, ज़र्ब xy ज़र्ब xy, ठीक है। इस तरह अब इसे 16 से 18 से हम ज़र्ब देंगे तो 16 8 कितने हम कर सकते हैं, यहाँ पर हल कर सकते हैं 16 ज़र्ब 8 6 48 4 8 4 12 128, 16 8 128 के 8 हासिल आया 12, 16 16 12 28, तो रहेगा 288 ज़र्ब xy ज़र्ब xy, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 288 x² और y², ठीक है, 288 x² और y², ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 सवाल का, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, तो 12a + 17b ज़र्ब 4c, तो यहाँ 2 रुकनी को 1 रुकनी से ज़र्ब दिया गया है, 2 रुकनी को 1 रुकनी से ज़र्ब दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ज़र्ब करेंगे इससे, ठीक है, तो रहेगा 4 12a ज़र्ब 4c, फिर इसको इससे ज़र्ब करेंगे, इसको इससे ज़र्ब करेंगे, यहाँ जम के राउंड आएंगे तो 4c 17b ज़र्ब 4c, ठीक है, तो हो जाएगा 12 चौक 48 48 ac, एक वो सी से ज़र्ब देंगे तो ac आएगा, जमा 17 चौक 68 68 bc, ठीक है 68 bc, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुतग़य्यर को और ज़रीफ़ को अलग कर सकते थे, इससे स्टेप हमारी बढ़ जाएगी, अगर हम मुतग़य्यर और ज़रीफ़ को अलग करें तो यहाँ 12 ज़र्ब 4 फिर a ज़र्ब c, फिर जमा के अलावा देखिए 17 ज़र्ब 4 फिर b ज़र्ब c, तो उसी तरह से ये जवाब आएगा। अगर हम यहाँ पर मुतग़य्यर को और ज़रीफ़ को अलग अलग करके लिखते हैं तो भी हमारा जवाब वही आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया, तहरीरी सवाल दिया हुआ है, हम इसको देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, एक मुस्ततील की लंबाई जो है 8x + 5 समय और चौड़ाई 5x + 3 है, 3 समय, तो मुस्ततील का रकबा मालूम करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी है, लंबाई दी हुई है 8x + 5, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी हुई है 5x + 3, ठीक है, ये लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, हमको मुस्ततील का रकबा मालूम करना है। तो पहले बच्चों मुस्ततील का रकबे का जो ज़ाब्ता है वो है, मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से हम मुस्ततील का रकबे का ज़ाब्ता लिखेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, लंबाई कितनी दी हुई है 8x + 5, ज़र्ब चौड़ाई कितनी दी है 5x + 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले रुकनों को दूसरे रुकने से यहाँ पर ज़र्ब करना है, पहले रुकनों को दूसरे रुकने से ज़र्ब करेंगे हम, तो देखेंगे यहाँ पर रोजा करके थोड़ा लंबी मसावत बनेंगी, तो लेना 8x cos ज़र्ब 5x + 3, ठीक है, अभी 5 हो जाएगा, बीच में ज़र्ब की अलामत है, बीच में कौन सी अलामत है, यहाँ जमा है लेकिन जमा की अलामत दिखेंगे हम, तो लेंगे 5 cos 5x + 3, ठीक है,
पाँच एक से जरब, पहले हमने इसको से जरब दिए, फिर इसको से जरब दिए, ठीक है। पहले बच्चों इस तरह हमने कॉस को कॉस से पहले टर्म को पूरे कॉस से जरब दिए, फिर दूसरे टर्म को हमने जो है वो पूरे कॉस हमने यहाँ पर जरब दिए, ठीक है। पहले बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे अब इसको इससे जरब देना और इससे जरब देना, तो यहाँ आठ एक्स जरब पाँच एक्स, ठीक है, जमा आठ एक्स जरब तीन, ठीक है। इसको इससे जरब दे दिया हमने, बीच में जमा की अलामत है, अरे पाँच एक्स सॉरी पाँच जरब पाँच एक्स, पाँच जरब पाँच एक्स जमा पाँच जरब तीन, ठीक है। इसको हमने पूरे कॉस से जरब दिया और इसको पूरे कॉस से जरब दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आठ एक्स से जरब पाँच एक्स हो जाएगा चालीस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जमा आठ एक्स से जरब तीन चौबीस एक्स, आठ की चौबीस चौबीस एक्स, जमा पाँच जरब पाँच पच्चीस एक्स, पाँच जरब पाँच क्या जाएंगे पच्चीस एक्स हो जाएगा, ठीक है, जमा पाँच तीन पंद्रह। इस तरह से ये इक्वेशन हमको हासिल हुई। अब इसको हम और हल कर सकते हैं क्या, देखना यहाँ पर तो ये पच्चीस एक्स यहाँ पर है, दो एक्स लगे, अरे चौबीस एक्स और पच्चीस एक्स से मिला कर देंगे उनपचास एक्स, हम लिख सकते हैं चालीस एक्स स्क्वायर जमा फोर्टी नाइन एक्स जमा पंद्रह, ये हमारे ये हमारा जवाब होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, यही हमारा जवाब होगा। इस तरह प्यारे बच्चों ने देखे मस्ती सवाल के अंदर हमने इसके जो है पहले सवाल के दो सवाल को हल करे, बाकी सवाल आपको घर काम रहेगा, और सवाल नंबर दो का हमने एक सवाल हल करे, हमने जो थ्योरेटिकल था तहरीरी सवाल दिया हुआ था, हमने उसको भी यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो घर काम दिया जा रहा है वो आपको घर काम बहुत अच्छे से करना है प्यारे बच्चों। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे जितना खुद से करेंगे आप उतना जो इस चीज़ के अंदर परफेक्ट होते जाएंगे। एग्जाम में आप उसी ऐसी इसकी जगह कोई भी मिसाल दे दी जाए इस तरह की तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं प्रैक्टिस होने की बुनियाद पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेरे लेक्चर नंबर छः मस्त की सवाल नंबर 35 जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।